हेलो 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 नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में, और मैं हूँ आपके साथ आरती। इस बात की जानकारी तो हम आपको समय समय पर देते रहते हैं कि ग्रहों की चाल का मनुष्य के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। बता दें आपको, मनुष्य के जीवन में ग्रहों का परिवर्तन बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर किसी भी ग्रह की स्थिति बदलती है या फिर उनकी चाल में कोई बदलाव आता है तो इसके कारण मनुष्य के जीवन में बहुत ही तरह के उतार चढ़ावों का उसे सामना करना पड़ता है। इसी के अनुसार कभी इंसान के जीवन में सुख आता है तो कभी दुख। किसी राशि को इसका शुभ फल देखने को मिलता है तो किसी राशि को बहुत सी समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। बता दें आपको, ब्रह्मांड में घूम रहे 9 ग्रहों में से जो राजा माने जाते हैं वो सूर्य देव माने जाते हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि अगर सूर्य देव की रोजाना नियमित रूप से उपासना की जाए तो इससे शारीरिक तेज तो बढ़ता ही है, उसी के साथ इंसान को आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दें आपको, 18 अक्टूबर को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये कन्या राशि को छोड़कर अब तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तुला राशि में ये 17 नवंबर तक इसी तुला राशि में रहेंगे। सूर्य के इस राशि परिवर्तन की वजह से 12 राशियों पर जरूर ही कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, फिर चाहे वो शुभ पड़े या अशुभ। आज हम आपको उन 5 राशियों के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर सूर्य देव का शुभ प्रभाव पड़ रहा है, और अब इन लोगों का खजाना मिल सकता है, यानी कि इन लोगों को धनागमन के संकेत मिलने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं उन 5 राशियों के बारे में, जिसमें से पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों की कुंडली में सूर्यदेव षष्ठम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होने वाली है। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बहुत सी कठिन परिस्थितियों में भी आप लोग डटकर सामना कर पाएंगे। जो लोग छात्र हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा लाभ मिलने वाला है, और मेहनत का पूरा पूरा आप लोगों को फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है। इसी क्रम में अगली राशि है मिथुन राशि। बता दें आपको, मिथुन राशि वाले लोगों की कुंडली में सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको तरक्की मिलने की संभावना बन रही है। आप अपने कामकाज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कार्यस्थल में आपके कार्यों को सराहा जाएगा, प्रशंसा की जाएगी। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है। इसी के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अगली राशि है सिंह राशि। बता दें आपको, सिंह राशि वाले लोगों की कुंडली में सूर्यदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। आप अपने सभी कामों को बहुत ही आसानी से पूरा कर लेंगे। रचनात्मक कामों में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। कारोबार के सिलसिले में किसी विदेश यात्रा पर भी आप लोगों को जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए अगली राशि के बारे में बताते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों की राशि में सूर्यदेव एकादश भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। जहाँ पर आप लोग काम करते हैं वहाँ पर आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे, आपका साथ देंगे। अचानक धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की पूरी संभावना बनी हुई है। घर परिवार के लोगों के साथ आप किसी जगह पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। ये समय जो है वो छात्र वर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फल देने वाला है। चलिए बताते हैं आपको 5वीं राशि के बारे में, तो वो है मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों की राशि में सूर्य दशम भाव में गोचर करने वाले हैं, और जिसकी वजह से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन मिलने के योग बने हुए। सामाजिक क्षेत्र में आपको अधीनस्थ
लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो पुराने वाद विवाद चले आ रहे हैं वो अब खत्म हो जाएंगे। आपकी सेहत अगर खराब चल रही है काफी दिनों से, तो उसमें भी अब सुधार होने के योग बने हुए हैं। आपको अपनी छवि सुधारने का भी अवसर मिलेगा। इसी के साथ आप लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। तो ये थी वो पांच भाग्यशाली राशियां।